वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय में नेशनल गवर्निंग डे के उपलक्ष्य में विस्तार व्याख्यान का किया आयोजन। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 10 फरवरी सोमवार को वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ की NSS इकाई द्वारा नेशनल गवर्निंग डे के उपलक्ष्य में विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तीर्थल जाखड़ ने शिरकत की। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015 से हर वर्ष उस दिवस को पूरे भारत में नेशनल गवर्निंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत 19 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों व युवाओं को कृमिनाशक दवा मुफ्त में वितरित की जाती है। ये कृमि अर्थात परजीवी क्या है, किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में छात्राओं को विस्तार से समझाने के उद्देश्य से ही दवा के वितरण के साथ साथ विस्तार व्याख्यान का भी आयोजन किया गया है, ताकि छात्राओं को इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिले व उनके माध्यम से समाज को भी इसके प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रभारी डॉक्टर ट्विंकल ने शरीर में परजीवी पनपने के कारण व उपचार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये परजीवी दूषित खान पान, खाने से पहले हाथ अच्छे से साफ न करना, दूषित मिट्टी आदि के माध्यम से हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर भी आंत में अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। हम जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसमें परजीवी अपना भोजन बना लेते हैं, फलस्वरूप रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अतः समय समय पर मल की जांच करवा कर वह कृमिनाशक दवा के प्रयोग से बच सकते हैं। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर मंजीत ने मंच संचालन करते हुए कहा कि हमें समाज में इसके प्रति जागृति फैलानी चाहिए, ताकि बच्चों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। आज नेशनल डी वॉमिंग डे है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर ट्विंकल, जो कि SMO सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में कार्यरत हैं, वो बच्चों को किस तरीके से अपने स्वास्थ्य की रक्षा इस रूप में की जाए कि पेट में कीड़ों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सके, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। और अगर पेट में कीड़े पाए जाते हैं तो हम कितना ही पौष्टिक भोजन क्यों ना खा रहे हों, उसका लाभ हमारे स्वास्थ्य को नहीं मिलता है। तो अगर किसी को इस तरीके की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है या किसी के पेट में कीड़े पाए जाते हैं, तो उसके लिए एल्बेंडाजोल नामक टेबलेट, जो कि अब सरकार के द्वारा 19 साल तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, उसकी उपलब्धता करवाने के बारे में उन्होंने हमें इंश्योर किया है। और आज ये कह रही थी कि आज मैं 19 साल तक के जितने भी महाविद्यालय में छात्राएं हैं, मैं सभी को इस टेबलेट को फ्री ऑफ कॉस्ट देकर जाऊंगी। मैंने मैडम से बात की कि कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इस टेबलेट को लेने के बाद बच्चे कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे उल्टी आने शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये ऐसा तभी होता है, इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस तभी आती हैं, जबकि जिन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखकर इस दवाई को लेना चाहिए उन प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे कि ये दवाई खाना खाने के बाद लेने के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि सुबह ज़्यादातर बच्चे आलू से संबंधित खाना खाकर आते हैं जी। और आलू का और इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर किसी बच्चे ने आलू की सब्जी खाई हुई है या आलू का परांठा खाया हुआ है तो उस बच्चे को ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट आता है। साथ ही आज कोरोना वायरस, जो कि चाइना से चलता चलता भारत में भी पैर पसार रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बच्चों के साथ अपने विचार साझा किए। और ये भी कहा कि इस तरीके के जो वायरस हैं या इन वायरस के कारण, चाहे वो कोरोना है या पहले स्वाइन फ्लू आया था, ये हमारे खान पान क्योंकि ठीक नहीं है हमारा, या नॉन वेज हम ले रहे हैं
उसकी वजह से ज़्यादा फैलता है। तो कोशिश करें कि जो हमारा अपना भोजन है, वेज भोजन है, उसकी तरफ हम जाएं, क्योंकि वेज भोजन में भी सभी तरीके के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सकता है। मैडम, कोई जैसे छात्र कोई पहले से मेडिसिन ले रहा हो, क्या वो टैबलेट ले सकता है? इसके बारे में क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो टेक्निकली मैं कुछ नहीं कहूँगी, तो मैंने ये चीज़ भी मैडम के साथ डिस्कस की तो उन्होंने ये कहा है कि मैं जब बच्चे को मेडिसिन दूंगी, मैं डोज देकर जाऊंगी, खाली ये नहीं कि मैंने वितरित करनी है जी जी। मैं बच्चे के साथ पूरा डिस्कशन करने के बाद कि उसको ये दवाई दिया जाना सेफ है या नहीं है, उसके बाद ही मैं उसको डोज देकर जाऊंगी, क्योंकि दवाई खाली वितरित नहीं की जाएगी बल्कि मैं अपने हाथों से इनको दवाई खिला कर जाऊंगी। तो निसंदेह वो इस चीज़ की तरफ ध्यान रखेंगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने उनके साथ आते ही डिस्कस की। ये एक्सपीरियंस मेरा न्यूज़पेपर के माध्यम से था कि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चों को इस रूप में फेस करनी पड़ जाती है। छात्रों को जो बताया। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर ट्विंकल जाखर। आज हम वैशाल्य कॉलेज में आए हैं। आज हम NDD सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जिसको हम बोलते हैं कृषि मुक्ति दिवस। ये कीड़े मारने की दवाई आज के हम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्बेंडाजोल। ये 1 से 19 साल के बच्चों को खिलाई जाती है। इसमें ये है कि इसके ज़्यादातर हमें पूछा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं। इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। 1-2 बच्चों को दिक्कत होती है कि जैसे हेडेक हो गया, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना। इसकी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो जस्ट आपको होता है कि आपने खाना वैसा खा रखा हो, कई हो गए आलू वगैरह की सब्जी, जिसको रिएक्शन बहुत होते हैं, इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट आते हैं। आलू के अंदर ऐसा क्या केमिकल है मैम? आलू की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज होता है कई बार जैसे एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। आलू से हमने देखा है कि मोस्टली एसिडिटी वगैरह होती है, एंड ये टैबलेट जो होती है स्टमक पे एक्ट करती है, पेट पे, तो उसके साथ रिएक्शन होता है इसका। ऐसा कुछ नहीं कि हर बच्चे को जो आलू खा रखा होगा उसको ये चीज़ होगी, जैसे ये कि हर एक शरीर का बहुत फर्क पड़ता है। कई बार उल्टी जैसा लग जाता है। जो मेडिसिन लगातार ले रहे हैं छात्र हैं बच्चे, तो उनको क्या कोई रिएक्शन वगैरह नहीं? इस मेडिसिन के साथ लेने से कोई रिएक्शन नहीं होता। ये मेडिसिन अलग काम करती है, वो मेडिसिन अलग काम करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम पहले ही उनको बता देते हैं कि नहीं लेने के लिए। तो इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमें जो भारत से है कि मोस्ट कॉमन बच्चों को ये होती है, कीड़े की प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा है कि ये जो होती है अपनी मिट्टी से फैलती है, साफ़ सफाई ना रखने से फैलती है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है 1-19 साल के बच्चों में। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने ये चीज़ चलाई है, क्योंकि जैसे हम हरियाणा में ये है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये चीज़ कम हो चुकी है, इसलिए हम साल में 1 बार चलाते हैं। हरियाणा में हम साल में 2 बार इसको चलाते हैं ताकि यहाँ भी कम हो जाए और आराम आए। इससे खाने से कोई वीकनेस वगैरह नहीं? इसके खाने से कोई वीकनेस कुछ नहीं होता, जस्ट ये है कि सिर्फ कीड़े मारने की दवाई है। क्या टैबलेट खाने के बाद कुछ खाया जा सकता है इसके बाद? हाँ, इसके बाद आप खा सकते हो, 10 मिनट बाद कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको चबा के लेना होता है आपको। इसके बाद में ग्रोथ होती है फिर बॉडी में? नहीं, इसके बाद में कोई ग्रोथ नहीं। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कीड़े हैं तो ये उन कीड़ों को मार देगी। नेशनल डिवॉर्मिंग डे का हम मूव अप राउंड कर रहे हैं 17 फरवरी को। इसमें ये कि जो बच्चा मैं छूट गया, फिर जो किसी वर्ष बीमार होने का दवाई नहीं खा पाए, उन लोगों को हम दवाई 17 फरवरी को खिलाएंगे। क्या कॉलेज में किया जाएगा इससे बाहर भी? आप ये हर जगह किया जाएगा, कॉलेज, आंगनवाड़ी, PHC, सरकारी डिस्पेंसरीज में, हर जगह।